खुराक खिलाते हैं? साईं पट्ठों को खिलाते हैं दाल, ये देख रहे हो ना? हाँ। ये दाल है और दाल देने का तरीका ये है, इसको मैंने भिगो के रखा था इस मंडी वाले। सुबह से भिगो कर? नहीं नहीं तकरीबन 2 घंटे हुए हैं, 2 घंटे पहले मैंने जो इसको भिगो कर रखा था ये गल गई है। इसको मैंने भिगोया है मट्टी वाले बर्तन में, मट्टी वाला बर्तन, ये जो थोड़ा ठंडा होता है इसको फिर धोया है अच्छे तरीके से। देखे कैसे खुश्क दाल लग रही है बिल्कुल, इससे पानी वगैरह मैंने निकाल दिया। हाथ से खाता है? बिल्कुल खाता है, ये पहले देखा जो था आपने, ये देखो खा रहा है ना हाथ से। स्टाइल और नस्ल जात देखे इसका कैसे लग रहा है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। पेवर लगा है, पेवर लगा है और गांगस में, गांगस में जी जी। और इसको थोड़ा देते हैं इसकी डब्बी में दाल, इसको बादाम बादाम खिलाते हैं, देखेंगे सर्दियों में फिलहाल तो दाल ही देते हैं, पट्ठों को दाल खिलाते हैं। गर्मी में नहीं खिलानी चाहिए, बड़े तेतरों को खिलानी चाहिए, पट्ठों को नहीं खिलानी चाहिए। ये तो मसाला बहुत अच्छा है जी जी, इसको हम कर दे साइड पे। और ये कौन से मसाले? एक मिनट मुझे दो। ये कौन से मसाले? ये है ताई सन्नासी लाल पोटिया। सन्नासी लाल पोटिया, लाल पोटा भी बोलते हैं काफी लोग इसे। हाँ। काफी लोग इसे बोलते हैं सन्नासी। सन्नासी इसका हम करीब करके दिखाते हैं आपको, नहीं तू ना करूँ, हम दिखाते हैं, आप भी देखें जो कैमरा में देख रहे हैं, जो भी दोस्तों हमारे देख रहे हैं, तो इसका नस्ल देखें। ये गांगस में, ये जो है तो पहले थोड़ा भूखों का मरा हुआ था, जिसके भी पास था उन्होंने अच्छे तरीके से इसे पाला नहीं था। ये देखें ना इसका भी स्टाइल, कुंडे पे पेवर सनासी में, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मसाला, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हाँ। आपको बता दें इनके बारे में तो काफ़ी इंफॉर्मेशन देंगे हम। ये इधर कोली लेके आओ, ये जो कोली, ये कोली 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 कटोरी, इसको लेके आओ। ये इसको भी देते हैं, इसमें भी दाल, ठीक है? बैठो भाई, आप भी बैठो, नमाज खान। ये सही, इसकी भी दाल हो गई। पट्ठे कुरीज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहरहाल ऐसे करते हैं कुरीज, जैसे अंडे से निकलते हैं ना बच्चे। हाँ। बच्चे जब अंडे से निकलते हैं तब से इनकी जो है सो कुरीज स्टार्ट हो जाती है, एक आधु का पर जो है ये गिराते रहते हैं। और बड़े तितर करते हैं? बड़े तितर सर्दियों में करते हैं। इतने पट्ठे बोलते हैं नहीं बोलते जी? इतने पट्ठे, इतने उम्र के पट्ठे बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, एक मस्ती करते हैं, ये दोनों मस्ती कर रहे हैं अभी। एक दिन उम्र का है ये, है तकरीबन 3.5 महीने का, 3.5 महीने। वो उससे बड़ा है ना? वो तकरीबन 5 महीने का है, 4.5 महीने का, महीने सवा का फर्क है। साल दो के बाद बोलने शुरू हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह अगले साल भी बुलाई करेंगे, पर हो सकता है इसी साल ही बुलाई करें। मैंने एक पट्ठा लिया है, उसको क्या खिलाऊं? उसको जुकाम हो गया है। पट्ठे को क्या हो गया है? जुकाम हो गया है। पट्ठे को जुकाम हो गया है, जुकाम के लिए काफी सारी दवाइयां तो दी हैं, बाद में आपको बताएंगे। आज वाला ये इंफॉर्मेशन हम दोस्तों को भी देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं। अच्छा। पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर पहली दफा हमारे चैनल पे आए या कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, नहीं तो बाद में आप वीडियो को लाइक करना जो सो भूल जाते हैं। पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करके लाल बटन को दबा के आल पे क्लिक करें, आपको हमेशा ऐसी वीडियो जो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। भाई ये तितर उठाओ थोड़ा, आते ऊपर 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 से उठाओ, ऊपर से उठाओ, उधर रखो साइड पे रखो इसे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आ जाओ, इधर आओ।